एवरीवन वेलकम बैक विजयनगर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? राइट नाउ हम अभी मरीन्स में हैं, वो भी हम अपने 31st को एंजॉय करने के लिए आए हैं। बाय द वे आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जब भी आप वीडियो देखोगे तो वो 1 तारीख हो चुकी रहेगी एंड इसके लिए आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी अच्छे रहना। ओके एंड अभी हम जा रहे हैं, वैसे जस्ट घूम रहे हैं, देखते हैं कुछ हमें मजा आएगा एंड स्टिल आई थिंक सो मज़ा ही आएगा। गाइस अभी यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, ये क्या हुआ? बिकॉज आज 31st है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है एंड हमें रोड क्रॉस करना है बिकॉज हम लोग चरनी रोड से चलते चलते अभी चर्च गेट आए हैं। हमें लगा वहाँ पर कुछ ओपन रहेगा बट इतना आइडिया नहीं था, फिर वहाँ पे पता चला कि वो कोस्टल रोड जो बन रहा है उसके वजह से वो पूरा बंद है। तो अभी हमको यहाँ पर हम लोग कम से कम 15 मिनट चले रहेंगे एंड ए भाई मैंने नहीं थकाया। ओके भूख लगी, अभी जा रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हमें, बट अभी हम कुछ खाएंगे नहीं वैसे तो, बाद में खाएंगे एंड वैसे मैं आज स्मार्ट दिख रहा हूँ थोड़ा, वो तो मैं हमेशा दिखता हूँ। कौन हॉटी हॉटी सो अभी जा रहे हैं एंड ये बस वैसे अलग ही मजा है ये। हाँ यार काफ़ी ज़्यादा ये जो बस जा रही है ना इसका कुछ अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। मतलब यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं अपन, नाम मेरे को याद नहीं। ये जो बस है ना यहाँ पर ही मिलता है, मतलब यहाँ पर ही इस चीज़ का ट्रैवल होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। सो अभी देखते हैं एंड जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मेरा 31st। मैं पहली बार 31st की नाइट को कहीं बाहर निकला हूँ, उसके पहले तो मैं कहीं नहीं जाता था जिंदगी में। हम लोग आज तक कहीं नहीं गए 31st की नाइट को। स्टिल हम लोग आज 21 के हो चुके हैं बट हम आज तक कभी 31st की नाइट को कहीं नहीं गए। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मम्मी डैडी मेरे गए हैं भाई, बट मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ एंड आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं एक प्लान कर रहा हूँ ट्रिप का, फिंगर क्रॉस की हो जाए वो एंड वो सक्सेस हो जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा और वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार रहेगा। भाई रोड क्रॉस करना है, कितना दूर से करें? अभी 15-20 मिनट और चलना पड़ेगा क्या? लग रहा है चर्च गेट हम लोग अभी रोड क्रॉसिंग के लिए चर्च गेट जा रहे हैं, लिटरली चरनी रोड से। भाई अपन चरनी रोड से चर्च गेट जा रहे हैं रोड क्रॉसिंग के लिए। मेरे को वो ऊपर से चल के जाने में अच्छा नहीं लगता। अगर सोच ना गलती से स्काउट पहुँच गया इधर, कोई ना कोई तो पहुँच गया भाई, क्या पब्लिक इसकी उम्मीद इसके औकात से ज़्यादा है क्योंकि इसको पता है ये पूरा नहीं होने वाला है। वैसे उम्मीद रखनी चाहिए नहीं, ऐसे एक बार पहुंचा था स्काउट इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो वैसे मेरा प्लान काफ़ी अच्छा था कि हम जूहू चौपाटी घूमते 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 नरीमन पॉइंट एंड पूरा मरीन्स घूमते घूमते जाएंगे, कुछ नहीं हो पाया। ये लोग को अभी तोड़ना था कोस्टल रोड, ये थोड़ा वियर्ड था मेरे लिए, ये थोड़ा नया था क्योंकि वैसे मेरे को घर से अभी तक 4 कॉल आ चुके हैं, भाई तू कहाँ पर है? तो मैंने बताया वैसे उनको कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो पापा बोले ठीक है जा बट जल्दी आ जाना, यार नाइट आउट मारने आया हूँ उसके अंदर भी जल्दी आ जाना है, बट कोई ना। एंड अभी भाई कितना दूर यहाँ पे ना, अगर हम दहीसर बोरी वाली वाले पब्लिक को छोड़ देना लिटरली भाई, उनको लगता है कि ये जगह वैसी है, कहीं से भी कुछ भी क्रॉसिंग करते हैं वो लोग, बट हमको तो वियर्ड लग रहा है। एंड स्टिल हमको क्रॉसिंग मिल चुका है। बे यार बहुत दूर है बे, दर्द हो रहा है। मैं वैसे फ्रंट कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ, अभी क्वालिटी आप लोग जज कर लेना, पता नहीं कितनी अच्छी क्वालिटी बिकॉज मुझे बैक कैमरे से व्लॉग करना नहीं जमता है, मोबाइल फ़ोन पे वो डिफिकल्ट होता है ना पसंद में, डिफिकल्ट होता है पहली बार। हाँ अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, आप आपकी फैमिली और आप सभी लोग अच्छे से रहना। आप सभी का 2023 जो है वो ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके देना और मुझे न्यू ईयर विश कर देना भाई, मुझे आप लोग की दुआएँ चाहिए अच्छे से। तो वैसे मैं थोड़ा चिकना बन के आया हूँ। हाँ लास्ट ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा ही बेलता दिख रहा था, ये तो भाई चिकना ही है भाई। भाई मुंबई सपनों की नगरी, यहाँ पर मैंने सुना है मुंबई में मैंने एक चीज़ सुना है इसकी, कोई जल्दी सोता नहीं है। क्या ये बस सच है मुझे पता नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में
कोई सोता ही नहीं है, ये साइड सोता ही नहीं है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर कोई सोता नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भूखा भी नहीं रहता है, ऐसा मैंने यहाँ पर सुना था। कितना सच्चे कितना झूठे वो मुझे नहीं पता, बट स्टिल ये एक वर्डिंग जो था बहुत अच्छा था। भाई क्रॉसिंग किधर है? मिल गया भाई क्रॉसिंग मिल गया मिल गया मुझे क्रॉसिंग मिल गया। यस, एक तो स्टेशन बदल दिया है चंडी रोड का, चंडी रोड का स्टेशन भाई बना दिया है, और लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो। एंड अभी क्रॉस करेंगे हम, अभी नहीं 5 मिनट बाद। मज़ेदार, फाइनली मज़ा आ रहा है, ट्रेन लग गया। हाँ ये बोलते हैं यार उसको, सो अभी हम क्रॉस करते हैं, देना सभी को मिलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, देखो पब्लिक पब्लिक को देखने आया हूँ मैं यहाँ पे, नज़ारे देखने नहीं आया हूँ। मुझे लगा था मैं थोड़ा आऊँगा यहाँ पे शांति रहेगी एंड मैं अपने टाइम को स्पेंड कर पाऊँगा, बट स्टिल अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आया हूँ। इससे अच्छा कहीं चला गया होता रेस्टोरेंट या कहीं पब भी ना, तो ज़्यादा मज़ा आता मेरे को। मूवी देख लेते सॉरी, एक तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से मैं चले जा रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर इतने वेले लोग दिख रहे हैं ना, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। हाँ वैसे हम भी वेले हैं, पर हम कंटेंट शूट करने आए थे। कंटेंट शूट की बात नहीं है, कंटेंट तो शूट होते रहता है, बट यार एक जगह नहीं है यहाँ पर कि जहाँ पे मैं बैठूँ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ अकेले। मज़ा आता है यार फोटो यहाँ पे, वहाँ थोड़ा सा इतने सारे फोटोग्राफर दिख रहे हैं ना यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ मैं वीडियोग्राफर होके क्या कर रहा हूँ, मेरे को फोटोग्राफर बन जाना चाहिए। इतने सारे फोटोग्राफर है बे यहाँ पर, ओ माय गॉड। मैं आया यहाँ पर बैठने के लिए, लिटरली यहाँ पर जगह नहीं है बैठने के लिए, ओ माय गॉड। ये एक जगह नहीं है, एक सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहा है मेरे को कि कोई आके मुझे बोले हाँ भाई तो मुंबई से है ना। वैसा होता तो अलग ही वाइब होता, पता है वाइब यार, एक अलग ही वाइब होता। यहाँ पर वाइब किसी और चीज़ की है, आई डोंट नो वाई, बट एक चीज़ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट साल अगर ट्राई करेंगे ऐसा हो, क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा ना, दुआ करें होने चाहिए बढ़े, क्या भाई मजे मजे होंगे। फिर सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा ना, फिर बोलेगा विकी सर बिग फैन, तेरे मुँह में घी शक्कर। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हों और मैं जल्दी जल्दी 1K टच करूं। हाँ मेरा टाइम कब आएगा बोलना चाहिए, बस वो टाइम आ जाए जब मैं 1K टच कर दूं, मज़ा आ जाएगा मुझे। कसम भाई दोस्ती हो जाती है। गाइस क्राउड देखो आप लोग, लुक एट द क्राउड, माय गॉड, 31st का वाइब यही लोग ले रहे हैं। अभी टाइम 9:30 हो रहा है एंड इतना ज़्यादा वियर्ड सा सीन है यहाँ पर, एक तो बैठने की जगह नहीं है, ऊपर से घूमे जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। मैं आज तक कभी यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, 31st को मैं आज तक कभी नहीं आया हूँ। फाइनली एक रैंडम का कमेंट आया, मेरे को आज तक पता नहीं था कि यहाँ पर भी इतनी पब्लिक होगी 31st पे। मेरे डैडी ने बोला था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा, बट स्टिल मैंने उनका सुना नहीं और अभी ज़्यादा क्राउड है। इससे अच्छा भाई मैं अवतार देख लेता हूँ रिपीटेड, मज़ा आ जाता मुझे। इतना फाइनली किसी का कमेंट आया मेरे को, रैंडम लड़की का, वो भी 3 लड़की मारी कमेंट, वो कमेंट आया है ये इसको कमेंट आया, बोल रहे क्या बोला तेरे, बंदा अच्छा दिख रहा है, बंदा अच्छा दिख रहा है, मतलब लड़की ने लिटरली इसको कमेंट पास किया कि तू क्या, मतलब ये लड़का क्या दिख रहा है, मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ और मुझे भी कोई कमेंट मारो, मेरा भी 31st चांदनी मना दो। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं। अभी इतना चलने के बाद हम जा रहे हैं लस्सी पीने, चलते चलते यार भूख लग गई, कुछ खाते कुछ पीते, तो अभी यहाँ पर हम एक लस्सी वाले अंकल हैं, मतलब वहाँ पर एक है रुस्तम जी लस्सी करके, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर लस्सी पियेंगे एंड देन फिर से यहाँ पर आएंगे, और इसके बाद हम पूरा देखेंगे कि और आगे तक क्या है। मैं आगे तक कभी नहीं गया हूँ, तो अभी पूरा आगे तक जाऊँगा। अभी हम ये ले रहे हैं खाने के लिए, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसा लगता है मुझे। गाइस अभी थोड़ी सी राहत मिल रही है आइसक्रीम खाने के बाद, लेना बोलना उसको, हम लोग ये चना ले रहे हैं उनका विचार का। अभी हम ये लिए खाने के लिए फर्स्ट टाइम, चना भेल समथिंग कुछ है, ये स्पाइसी थोड़ा सा। भाई का हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है,
ये हम ले रहे हैं अभी, देखते हैं कैसा लग रहा है खाते टाइम। ओके तो गाइस अभी थोड़ी सी रात में ली है हमने, थोड़ा कुछ खाया एंड अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम कोई ट्रैक पर आ चुके हैं, थोड़ा एनर्जी आया हमारे अंदर। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी जगह खाली हो तो मैं बैठूँ, बट यहाँ पर भाई जगह खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा है कोई। एक काम करेगा, सुनो काम करे, यहाँ से किसी को धक्का मारे। क्या हुआ? इंटरेस्टिंगली अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज कुछ पेट में गया है इसके लिए एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीनेरियो यहाँ का। किसी चीज़ की वाइब हो या ना हो बट एक चीज़ की वाइब बहुत ज़्यादा है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ आई नो थोड़ा थर्कीपन है बट ठीक है। अभी क्या करना है यार, वैसे ही घूमना है कि कुछ खाना पीना भी है, कुछ घर पे जाना है। 180 रुपये मतलब। हाँ फाइनली हमने अभी दो चॉकलेट्स खाए एंड नमकीन खाया, क्या बोलते उसको, भेल खाया समथिंग कुछ। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं कहीं जाने का, बट यहाँ से मैं जाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो इधर क्या करें, आगे बर्गर खाते हैं। ओके बर्गर तो देखते हैं अभी कुछ मिलता है तो। बट मेरे को नाइट बहुत अच्छी लग रही है, आज की शाम मेरे नाम बर्गर। मुझे आज पता चल रहा है हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी सुबह कुछ अलग और रात को कुछ अलग होती है, क्या बोलते हैं दादू? बहुत अलग। मुझे आज पता चला असाइनमेंट्स, अटेंडेंस और क्लास प्रेजेंस से बाहर निकलने के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है, और रात में जो हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक स्टूडेंट की लाइफ सुबह और रात को बहुत अलग होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा अलग होती है। ये तो मैं आज इतना सीख लिया हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ पर रात को आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने नाइट आउट मारा एंड स्टिल आई थिंक दैट कि मतलब बहुत कुछ ज़्यादा अलग है। और सुबह तो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही अलग होता है और मज़ेदार है, सीरियसली रात मज़ेदार होती है, मुझे आज पता चला। वैसे मुझे रात ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं रात में आज तक कभी कहीं गया नहीं हूँ, एक बार गया था बट उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करता था एंड आज मैं आया हूँ तो मैं आज कर रहा हूँ। सो मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग। हम अभी चले जा रहे हैं। अभी ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता कहाँ पे ख़त्म होने वाला है, बट मैं चले जा रहा हूँ। फाइनली काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेने के बाद हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए, मेरे एक फ़ोटो अच्छे नहीं आते, इस साले को फ़ोटो लेने नहीं आता है। अरे भाई माफ़ कर दे, इसको एक फ़ोटो लेने नहीं आता भाई अच्छे से, लिटरली एक फ़ोटो अच्छे से लेने नहीं आता भाई। बन तो इसने मेरे ना 20 से 40 फ़ोटो निकाले रहेंगे, वो एक फ़ोटो इसने ढंग का नहीं लिया। और अभी मैं आगे जा रहा हूँ, कितने फोटो, 20 फोटो, 20 कम से कम 20 या 25 फोटो निकाला रहेगा तू, और एक फोटो तूने ढंग का नहीं लिया। मैंने एक ही फोटो तेरा निकाला, कितना अच्छा निकाला है भाई, इसका फ़ोन किसी काम का नहीं है भाई। चलो अभी हम जा रहे हैं आगे एंड मुझे कोई और अच्छा लोकेशन मिला जहाँ पर लाइटिंग अच्छी होगी तो मैं पे फोटोज लूँगा, बट अभी तो मुझे लाइटिंग्स के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा है। देखते हैं कोई लाइटिंग, मैं फ़ोटो के लिए देख रहा हूँ कि लाइटिंग मिले, मेरे को इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो शूट करना है, बट अभी मुझे एक भी जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं फ़ोटोज़ निकालूँ। और एक जगह मिली थी भाई, तू इतना बड़ा गधा है ना, ये एक फ़ोटो निकाल नहीं सकता यार, लिटरली तो एक फ़ोटो निकाल नहीं सकता। ये लाइट मेरे को अच्छा लगा, सोच रहा हूँ इसको अपने स्टूडियो में डालूँ। गीता
पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना, चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये बसाना। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ एंड सीरियसली यहाँ पर एक बैंड ग्रुप है जो बहुत प्यारा गाना गा रहे हैं। वो लोग पूरा ग्रुप है 5-6 लोगों का एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा सिंगिंग किया है, मतलब काफ़ी अच्छा सा उन्होंने मूड फ्रेश कर दिया पूरा। लिटरली मैं ऑलमोस्ट 3 मिनट का मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया उनका, 2 क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने वो ऐड किया इस वीडियो में, आप पूरा देखना। बहुत ज़्यादा अच्छा वो लोग साउंड कर रहे हैं, मतलब वाइब लाइक इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं उस पूरे वीडियो को एक सेपरेट वीडियो में भी डालूंगा और ब्लॉग में भी डालूंगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको पूरा देखना। एंड भाई मतलब उनका ग्रुप है, उनका जो ट्यूनिंग है और उनका जो मेल बैटर है ना, मतलब वो उस गाना गाने का एंड लिटरली भाई उस सॉन्ग को लेकर हिंदी सॉन्ग्स वो गा रहे हैं एंड मतलब पूरा दिल खुश हो गया है। लिटरली इतना ज़्यादा अच्छा लगा, वर्ड्स नहीं है मेरे उसके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं पहली बार ऐसे सामने से किसी एक ग्रुप को देखा हूँ सॉन्ग को गाते हुए, एक सिंगल पर्सन जो गिटार बजा रहा है और 3 लोग गाना गा रहे हैं, एक बैंड बजा रहा है। मज़ेदार था भाई, लिटरली मज़ा आ गया पूरा। 31st को उन्होंने पूरा एकदम बना दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब था उस सॉन्ग को सुनने के बाद, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप सभी को वो जो बैंड का वीडियो रहेगा वो ज़्यादा पसंद आएगा। 31st मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था, आई होप आप सभी के लिए अच्छा हो। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आपके फैमिली को, आप सभी को मेरे तरफ से, आप सभी लोग हैप्पी रहें। एक साल की शुरुआत आप लोग अपने फैमिली के साथ अच्छे से करें, बी सेफ एंड नो वर्ड्स। सो गाइस अभी आगे का मुझे कुछ नहीं पता, अभी हमारे दिमाग में प्लान नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ क्या करने वाले हैं, बट स्टिल वी थिंक कि हम कुछ जाएंगे खाने के लिए और सीधा घर पे जाएंगे कि रात हो चुकी है एंड हम मोस्टली घूम ही रहे हैं लास्ट 2-3 घंटे से। 10:49 हो चुका है और अभी तक तो मैं घूम ही रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं घूम रहा हूँ, कोई कुछ काम वाम नहीं, मतलब ऐसा कुछ तो यहाँ पर था भी नहीं कि जो इंटरेस्टिंगली रहे, बट जस्ट हम लोग घूम रहे एंड अभी देखेंगे कुछ ऐसा कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो सीधा घर पे जाएंगे खाएंगे एंड सीधा घर पे जाएंगे। एंड मुझे अभी घर पे भी खाना खाना है, मैंने घर पे बोला था फाइनली। मुझे इस अभी मैं यहाँ पर जब से 2 घंटा हो गया रहेगा मुझे आके, 2-3 घंटा हो चुका रहेगा मुझे यहाँ पर आके, बट मुझे अभी जाके यहाँ पर एक मज़ा आया देखकर, यहाँ पर मुझे अभी जाके फ़न और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ मिला एंड स्टिल आई रियलाइज कि मतलब ड्यूटी है, कुछ है यहाँ पर, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सबका दिन एक अच्छा बना देते हैं, जो ये थे सीरियसली नो वर्ड्स। सो गाइस अभी तक मैकडी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो ब्लॉग को ये एंड कर रहा हूँ। ओके सो आज के ब्लॉग में देखते हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को भी शेयर करना। ओके और गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर अगेन, सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।